हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर ममता राठी। डॉक्टर ममताज एजुकेशनल प्लेक्स में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे हैं MCQ सीरीज ऑफ बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, यानी कि BRF। इसी सब्जेक्ट को हम बिजनेस लॉ, मर्केंटाइल लॉ के नाम से भी जानते हैं। अगर आप इन सब्जेक्ट की के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपके लिए ये MCQ सीरीज़ बहुत ही फ़ायदेमंद है। दोस्तों, इसके पहले मैंने फर्स्ट सीरीज़ बनाई है, जिसमें 40 क्वेश्चंस अलोंग विद दियर लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस मैंने दिए हुए हैं। अगर आप उस सीरीज़ को पढ़ना चाहते हैं तो उस सीरीज़ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। इसी के साथ साथ मैंने कई अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स पर और कई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स पर भी MCQ टाइप क्वेश्चंस की सीरीज़ बनाई हुई है। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी चैनल पर जाकर उन सारी सीरीज़ को आप पढ़ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट अस बिगिन विथ अवर सेकेंड सीरीज़ ऑफ बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, यानी कि BRF। सो अवर 41st क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डज नॉट अफेक्ट द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज? कोएर्शन, फ्रॉड, इनकॉम्पिटेंसी, अनड्यू इन्फ्लुएंस। इनमें से कौन सा फ्री कंसेंट, पार्टीज की फ्री कंसेंट के लिए अफेक्ट नहीं करने वाला एलिमेंट है? तो कोएर्शन फ्री कंसेंट के लिए तो अफेक्ट करेगा ही, फ्रॉड भी अफेक्ट करता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस भी अफेक्ट करता है, लेकिन इनकॉम्पिटेंसी जो है, ये वाला एलिमेंट है, वो हमारी फ्री कंसेंट, जो पार्टीज की फ्री कंसेंट होती है, उसको अफेक्ट नहीं करता। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? कंसिडरेशन मस्ट बी रियल, कंसिडरेशन कैन बी एडिक्वेट, अ प्रॉमिस टू डू समथिंग which one is already bound to do by law will be treated as good consideration, consideration can be present। अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो फॉल्स है? तो consideration real होना चाहिए, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। consideration can be inadequate, ये भी करेक्ट है। consideration can be present, ये भी करेक्ट है। लेकिन जो सी ऑप्शन है, a promise to do something which one is already bound to do by law will be treated as good consideration, ये false statement है। So option C is the answer। Next question, when the consent of the party is obtained by coercion, the contract is void, voidable, illegal, valid। जब किसी पार्टी की कंसेंट ली गई है कॉन्ट्रैक्ट में और वो कंसेंट जो ली है वो कोएर्शन से ली है, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा? तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा। हमारी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमें फ्री कंसेंट चाहिए, लेकिन कंसेंट विद द हेल्प ऑफ कोएर्शन और विथ फ्रॉड और विथ मिस रिप्रेजेंटेशन अगर होता है तो वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following acts does not fall under the categories of fraud? Promise made without intention to perform, innocent false statement, active concealment of facts, intentional false statement of facts। अब जो options दिए गए हैं हमें, उनमें से जो पहला option है promise made without intention to perform, परफॉर्म ना करने की इंटेंशन से अगर हम किसी को प्रॉमिस देते हैं तो ये फ्रॉड हो जाता है। इनोसेंट फॉल्स स्टेटमेंट, इनोसेंटली अगर हमारी तरफ से कोई फॉल्स स्टेटमेंट जाता है तो ये इनोसेंस है, ये फ्रॉड नहीं हो सकता है, तो ये फ्रॉड की कैटेगरी में नहीं आता है। उसी के साथ साथ एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स फ्रॉड है और इंटेंशनल फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स भी फ्रॉड है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Where the consent of both the parties is given by mistake, the contract is void, voidable, valid, all of these। अब जबकि दोनों parties की जो consent दी गई है किसी contract में, वो by mistakenly consent आई हुई है, तो वो contract क्या होगा? तो वो contract again void हो जाएगा। Option A is the correct answer। Next, contract caused by which of the following is voidable? Misrepresentation, fraud, कोएर्शन, ऑल ऑफ दीज। अब जैसे कि हम ये डिस्कस करते आ रहे हैं हमारी पहली सीरीज से लेकर, कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड या कोएर्शन के साथ अगर किया जा रहा है,
तो वो void हो जाता है, voidable हो जाता है. So option D जो है वो हमारा correct answer होगा. Next question, consideration may be present, future, past. Consideration कैसा होना चाहिए? Consideration may be present, future, past, all of these. तो consideration कैसा होता है? तो consideration present में हो सकता है, future हो सकता है, past भी हो सकता है. So all of these is the correct answer. Option D is the answer. Next, communication of offer is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made. Properly addressed stamped letter of offer is posted by the offerer. When it does not come to the knowledge of the person to whom it is made, none of these. अब communication of offer जो होता है वो कब complete होता है? तो जब भी जिसके साथ ये offer की जा रही है उसको ये वाली चीज़ जब knowledgeable हो जाएगी या फिर वो चीज़ पता चल जाएगी तब वो offer complete हो जाएगी. तो communication of offer complete हो जाएगा. So option A जो है वो हमारा correct answer होगा. It comes to the knowledge of the person to whom it is made. Option A is the answer. Next question, there can be a stranger to a consideration, contract, agreement, promise. अब कोई stranger किस कहाँ पर देखा जाता है? तो एक consideration में ये देखा जाता है कि वहाँ पर stranger भी हो सकता है. So option A is the correct answer. Next, a contract with the minor which is beneficial for him is void ab initio, voidable, valid, illegal. अब एक माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट अगर माइनर के लिए बेनिफिशियल है हिमसेल्फ, मतलब उसके लिए अगर वो बेनिफिशियल है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो सकता है. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, एन एग्रीमेंट द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन ऑफ विच इज अनलॉफुल इज वॉइड, वॉइडेबल, वैलिड, प्रॉमिस. अब जो एग्रीमेंट है जिसमें जो ऑब्जेक्ट या फिर जो कंसिडरेशन है वो ही अनलॉफुल है तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, एन ऑफर लैप्सेस इफ इट इज नॉट एक्सेप्टेड विद इन 2 days, विद इन 10 days, विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम, विद इन 24 hours. अब जो ऑफर दी गई है उसकी लैप्स यानी कि टाइम लिमिट क्या होती है, अगर यानी कि वो कितने दिनों के बाद अगर एक्सेप्ट ना किया गया तो वो लैप्स हो जाता है. तो जैसे कि हमें पता है कि ऑफर का जो प्रिस्क्राइब्ड टाइम ड्यूरेशन होता है उस टाइम ड्यूरेशन तक वो वैलिड होता है. तो विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्रीमेंट विच प्रिवेंट्स अ पर्सन फ्रॉम कैरिंग अ लॉफुल बिजनेस इज वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, कॉन्टिंजेंट. अब एक ऐसा एग्रीमेंट जो किसी पर्सन को उसका जो लॉफुल बिजनेस है वो कैरी करने से प्रिवेंट कर रहा हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट या फिर वो एग्रीमेंट कैसा होगा? तो एग्रीमेंट अगेन वॉइड होगा. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, एन एग्रीमेंट टू शेयर द अर्निंग्स ऑफ स्मगलिंग बिजनेस इज वैलिड, वॉइड, कॉन्टिंजेंट, वॉइडेबल. अब इसमें हमें ऑप्शंस देखने की भी ज़रूरत नहीं है. स्मगलिंग का बिजनेस है और उसकी एग्रीमेंट अर्निंग्स के लिए शेयर करने के लिए, अर्निंग्स जो होगी वो शेयर करने के लिए अगर हम एग्रीमेंट कर रहे हैं तो वो एग्रीमेंट अनलॉफुल है, वो एग्रीमेंट इलीगल है. सो उसको वॉइड होगा, वो एग्रीमेंट नहीं होगा. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, नोवेशन मीन्स चेंज इन वन और मोर टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कैंसलेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, सब्स्टिट्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ न्यू वन, नन ऑफ दीज. नोवेशन का मतलब क्या है? जैसे कि हमारा नेम डिपेक्ट करता है नोवेशन यानी कि न्यू, रिन्यू करना. तो जो सब्स्टिट्यूशन होता है हमारी एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट के लिए नए कॉन्ट्रैक्ट के साथ उसे हम नोवेशन कहते हैं. सो ऑप्शन सी, सब्स्टिट्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ न्यू वन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन कैन परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, प्रोमिसर अलोन, एजेंट ऑफ द प्रोमिसर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रोमिसर, ऑल ऑफ द अबव. अब इनमें से कौन सा पर्सन कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर सकता है? तो प्रोमिसर परफॉर्म कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट, प्रोमिसर का कोई एजेंट भी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर सकता है, या प्रोमिसर का कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकता है. सो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर.
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्संस डू नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ पर्संस ऑफ अनसाउंड माइंड? इडियट, ड्रंकन पर्सन, लूनेटिक्स, एलियन। अब इनमें से वो कौन से पर्सन है जो अनसाउंड माइंड की पर्सन की कैटेगरी में नहीं आते हैं? तो इडियट अनसाउंड माइंड ही होता है, ड्रंकन पर्सन भी कॉन्शियस नहीं होता है सो वो भी अनसाउंड माइंड है, ल्यूनेटिक्स भी अनसाउंड माइंड है, लेकिन एलियंस जो है वो एक्चुअली उसे हम पर्सन भी ट्रीट नहीं करते हैं और वो अनसाउंड माइंड के नहीं होते हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ माइनर इज लाइबल फॉर द डैश सप्लाइड टू देम, लग्जरीज, नेसेसरीज, नेसेसिटीज, ऑल द थिंग्स। अब माइनर लाइबल होते हैं उन्हें जो कुछ भी नेसेसरीज सप्लाइड की जाती है उनके लिए। सो ऑप्शन बी नेसेसरीज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्रीमेंट इन रीस्ट्रेंट ऑफ मैरिज इज अ वैलिड, वॉइडेबल, वॉइड, कॉन्टिंजेंट। अब जो रीस्ट्रेंट ऑफ मैरिज है वो इलीगल है, अनलॉफुल है, सो इट इज वॉइड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अ थ्रेट टू कमिट सुसाइड अमाउंट्स टू फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, ऑफेंस अंडर इंडियन पिनल कोड, कोएर्शन। ये क्वेश्चन हमने पहले भी देखा था, बस हमें इसके जो ऑप्शंस है वो ऑप्शंस घुमा फिरा के पूछे गए हैं। तो ऑप्शन सी जो है, ऑफेंस अंडर इंडियन पिनल कोड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय मिस्टेक ऑफ द इंडियन लॉ इज वॉइड, वैलिड, वॉइडेबल, इलीगल। अब इंडियन लॉ की मिस्टेक से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो वो कैसा होगा? तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है बिकॉज इंडियन लॉ उसमें है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जनरली द फॉलोइंग डैमेजेस आर नॉट रिकवरेबल, ऑर्डिनरी डैमेज, स्पेशल डैमेजेस, रिमोट डैमेजेस, नॉमिनल डैमेजेस। इनमें से कौन से डैमेजेस हैं जो जनरली रिकवर नहीं होते हैं? तो जो रिमोट डैमेजेस हैं वो रिकवर नहीं होते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द फॉलोइंग रेमेडी इज अवेलेबल टू द एग्रीव्ड पार्टी, सूट फॉर रिसिशन, सूट फॉर डैमेजेस, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंसेस, ऑल ऑफ दीज। अब जब भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इनमें से कौन सी रेमेडी अवेलेबल होती है एग्रीव्ड पार्टी के पास? तो वो है हमारी सूट फॉर रेसिशन, सूट फॉर डैमेजेस और सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंसेस। सो ये सारे करेक्ट ऑप्शंस है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज डैश वॉइड, वॉइडेबल, वैलिड, इलीगल। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following statement is true? Suit for specific performances, consideration must be adequate, past consideration is no consideration, consideration is something which a promisor is not already bound to do, consideration must result in a benefit to both the parties. अब इनमें से कौन सा statement है जो correct है? अब consideration must be adequate, पास्ट कंसिडरेशन इज नो कंसिडरेशन, उसी के साथ साथ कंसिडरेशन इज समथिंग विच अ प्रोमिसर इज नॉट ऑलरेडी बाउंड टू डू, ये करेक्ट है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एन एग्रीमेंट टू पे मनी और मनीज वर्थ ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ ए स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट इज अ डैश वेजरिंग एग्रीमेंट, कॉन्टिंजेंट एग्रीमेंट, कॉसी एग्रीमेंट, अनसर्टेन एग्रीमेंट। अब जब भी कोई अनसर्टेन इवेंट आ जाता है और उस अनसर्टेन इवेंट के बाद में अगर मनी या फिर मनी की जो वैल्यू है वो वैल्यू अगर हम पे करते हैं तो उसे कौन सा एग्रीमेंट कहा जाता है? या फिर नॉन हैपनिंग के बाद भी, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग, अगर वो कोई जो घटना है वो घटना होने से पहले या फिर होने के बाद जो पेमेंट हमें करना है मनी का या फिर मनी के वैल्यू का, और वो अगर अनसर्टेन इवेंट के साथ हो तो वो कौन सा एग्रीमेंट होता है?
तो वो होता है वेजरिंग एग्रीमेंट। जैसे कि हमने पहली सीरीज में भी देखा था कि जिसमें हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि बेट लगाई गई थी दो पर्संस में, और वो बेट यानी कि कोई थिंग हैपन होने के बाद या नहीं होने के बाद उसका पेमेंट करना था। जैसे कि हमने देखा कि बारिश अगर आएगी तो मैं 5,000 रुपये दूंगा, और बारिश अगर नहीं आई तो दूसरा 5,000 रुपये देगा। तो ये वाला जो था अनसर्टेन चीज़ का था, यानी कि अनसर्टेन इवेंट का था, बारिश आएगी या नहीं आएगी ये सर्टेनिटी नहीं है। सो ऑप्शन ए जो है वेजरिंग एग्रीमेंट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट इज वॉइड? एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, एग्रीमेंट बाय एन आउटगोइंग पार्टनर विथ हिज पार्टनर नॉट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड और विद इन स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स, वॉइडेबल एग्रीमेंट्स, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब इनमें से कौन सा एग्रीमेंट है जो वॉइड है? तो इनमें से जो एग्रीमेंट होता है रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स का, वो वॉइड है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? अ वर्बल प्रॉमिस टू पे अ टाइम बेयर्ड डेप्ट इज वैलिड, जनरली अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट शू, कंप्लीटेड गिफ्ट्स नीड नॉट कंसिडरेशन, नो कंसिडरेशन इज नीड टू क्रिएट एन एजेंसी। अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है, या फिर कौन सा स्टेटमेंट है जो फॉल्स है? तो जो एक वर्बल प्रॉमिस होता है टू पे अ टाइम बेयर्ड डेप्ट इज वैलिड, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्पेसिफिक ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय अ पर्सन टू हुम इट इज मेड, एनी फ्रेंड ऑफ द ऑफरर, एनी रिलेटिव ऑफ द ऑफरर, एनी पर्सन। अब एक जो स्पेसिफिक ऑफर होती है वो कौन एक्सेप्ट कर सकता है? तो स्पेसिफिक ऑर्डर जो है वो वही पर्सन एक्सेप्ट कर सकता है जिसके साथ ये ऑफर दी गई है, क्योंकि स्पेसिफिक ऑफर जो होती है वो स्पेसिफाइड पर्सन के साथ होती है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडरेशन मीन्स नथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न, एवरीथिंग इन रिटर्न, एनीथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन का मतलब क्या है? कंसिडरेशन का मतलब है समथिंग इन रिटर्न, यानी कि किसी चीज़ के लिए, किसी एक थिंग के लिए हम किसी एक कॉन्ट्रैक्ट में, किसी एक ऑफर में, किसी एक एग्रीमेंट में जाते हैं, तो वो जो होता है उसे कंसिडरेशन कहते हैं। सो समथिंग इन रिटर्न, कि इसके बदले मुझे कुछ तो चाहिए, इसके लिए मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा हूँ, तो ये कंसिडरेशन होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच पर्सन कैन डिमांड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? थर्ड पर्सन, प्रॉमिसी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ऑल ऑफ देम। अब जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका परफॉर्मेंस कौन सा पर्सन डिमांड कर सकता है? तो वो थर्ड पर्सन भी डिमांड कर सकता है, प्रॉमिसी भी डिमांड कर सकता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी डिमांड कर सकता है। सो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रॉमिस टू सब्सक्राइब टू अ चैरिटी इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट। अब एक प्रॉमिस दिया गया है जिसमें चैरिटी को सब्सक्राइब करने के बारे में वो प्रॉमिस है, तो वो क्या होगा? तो वो एक वॉइड एग्रीमेंट होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसेंट इन्वॉल्व्स आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स, आइडेंटिटी ऑफ बॉडी, ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। कंसेंट जब भी हम बात करते हैं तो उसमें क्या चीज़ आती है? तो कंसेंट जब भी हमें देनी है तो वो फ्री कंसेंट होती है, और फ्री कंसेंट तभी दी जा सकती है जबकि पर्सन का माइंड जो है वो साउंड हो। तो आइडेंटिटी ऑफ माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है हमारी कंसेंट की टाइम्स पर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फिजिकल पावर कैन बी यूज इन केस ऑफ कोएर्शन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, नन ऑफ दीज। अब फिजिकल पावर का यूज कौन सी केस में होता है? तो हमें पता है कि कोएर्शन जहाँ जहाँ होता है वहाँ वहाँ फिजिकल पावर का यूज किया गया होता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसर्स इज सेवरल, जॉइंट, जॉइंट एंड सेवरल, नन ऑफ दीज। अब जो जॉइंट प्रोमिसर होते हैं उनकी लाइबिलिटी कैसी होती है? तो जॉइंट प्रोमिसर्स की लाइबिलिटी जो है वो जॉइंट और सेवरल ही होती है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ईच पार्टी इज ए प्रोमिसर एंड अ प्रोमिसी इन केस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, जॉइंट प्रोमिसेस, इनडिपेंडेंट प्रोमिसेस, नन ऑफ दीज। तो जो
जो भी पार्टीज हमारी प्रॉमिस में आई है या फिर प्रॉमिस में आई है, तो उसमें प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी एक दूसरे के रेसिप्रोकल प्रॉमिस में आते हैं, यानी कि ईच पार्टी इज अ प्रॉमिसर एंड अ प्रॉमिसी इन केस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। क्योंकि रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस में ऐसे होता है कि तू मेरा प्रॉमिसर है, मैं तेरा प्रॉमिसर हूँ, और उसी के साथ साथ तू मेरा प्रॉमिसी है, मैं तेरी प्रॉमिसी हूँ, तो दोनों भी पार्टीज सेम रोल को प्ले करती है, सो वो रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस होते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, void ab initio means void at the end, void from beginning, void from beginning and end, none of these. void ab initio, initio का मतलब ही है initial level पर, beginning level पर, तो void ab initio का मतलब होता है void from the beginning. option b is the correct answer. next, quasi contract is also known as constructive contract, executory contract, executed contract, none of these. quasi contract को ही constructive contract के नाम से भी जाना जाता है, quasi contract का दूसरा नाम है constructive contract. option A is the correct answer. next, an implied agreement is created by orally, in writing, conduct of circumstances, by registration. अब जो implied agreement होते हैं वो कैसे create किए जाते हैं, तो वो conduct of circumstances में create किए जाते हैं, so option C is the correct answer. next, reasonable time stands for 1 month, 1 day, 1 week, depends upon the circumstances of the case. रीजनेबल टाइम का मतलब क्या होता है हमारी ऑफर हमारी कॉन्ट्रैक्ट में? रीजनेबल टाइम का मतलब होता है हमारा जो केस है उस केस के सर्कमस्टेंसेस पर वो डिपेंड्स करता है, सो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है. सो फ्रेंड्स, इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड अवर सेकेंड सीरीज ऑफ बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, यानी कि BRF. इसके पहले मैंने पहली सीरीज बनाई है जिसमें हमने 40 क्वेश्चंस अलोंग विद देयर एक्सप्लेनेशंस एंड अलोंग विद देयर आंसर्स, वहाँ पर हमने क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया है. आपको उस सीरीज की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ जाकर उसे स्टडी कर सकते हैं. इसी के साथ साथ BRF की नेक्स्ट सीरीज में हम जल्द ही मिलेंगे. आप BRF की इन सारी सीरीज़ को पढ़िए. इसी के साथ कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉरपोरेट अकाउंटिंग, फिनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इंटरनेशनल मार्केटिंग, ऑडिटिंग, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, सिक्योरिटीज़ एनालिसिस और कई सारे सब्जेक्ट्स पर MCQ टाइप क्वेश्चंस की सीरीज़ को मैंने बनाया है और उसे मेरी चैनल पर अपलोड भी कर दिया है. अगर आप इन सारी सीरीज़ को पढ़ना चाहते हैं या अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी चैनल पर जाकर इन सारी वीडियोस को स्टडी कीजिए. सो फ्रेंड्स, लेट्स मीट इन अवर थर्ड सीरीज़. टिल देन, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग. थैंक यू.